Press the red button down below to subscribe and also hit the bell icon to get all latest videos from DKT Tech. Hey guys, कैसे हो आप लोग? विवेकांत लेडी बात कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं DKT Tech. और आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑटोमोबाइल एक्सेसरी का. इसका रिव्यू मैंने काफ़ी टाइम से मैंने अमेजन पे देखा था और काफ़ी रिव्यूज इसके आए हैं, पॉजिटिव रिव्यू हैं, तो मैंने खुद लेने की सोची और परखने की सोची इसको लेना क्या फ़ायदेमंद होगा या नहीं. ये डिजिटल टायर इन्फिल्टर जो है विंडेक का है, इसको बनाया गया है डिजिटेक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड के द्वारा. और क्या क्या इसमें खास चीज़ें हैं और क्या इसको लेना फ़ायदेमंद होगा या नहीं, आइए देखते हैं. तो ये टायर इन्फ्लेटर की कॉस्ट है करीब 1800 के आसपास और इसका बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो शुरू करते हैं इसके पैकेजिंग के इन्फॉर्मेशन के साथ. जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये आता है एक स्मॉल बॉक्स में जिसकी फ्रंट की साइड आपको मिलेगा विंडेक का लोगो और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डिजिटेक का लोगो. उसके साथ आपको कई तरह के फीचर्स भी मिलते हैं, उसको मेंशन किया गया है मेन की फीचर्स को, जैसे कि इसमें ऑटो शट ऑफ कंट्रोल सिस्टम है, LED लाइट्स हैं और डिजिटल मीटर जैसे कई फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे. बॉक्स के राइट साइड आपको और डिटेल फीचर्स मेंशन किए गए हैं और आप चाहें तो उसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं. अब आते हैं इसके बैक साइड. तो पीछे इसमें आपको सभी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और साथ ही बॉक्स के कंटेंट भी देखने को मिल जाएंगे. तो आइए जल्दी से इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं. तो ये टायर इन्फ्लेटर आपकी कार के 12 वोल्ट DC पावर सॉकेट पे काम करता है और मैक्सिमम प्रेशर ये 300 PSI तक इन्फ्लेट कर सकता है, जो कि हैवी लोडर तक जैसे ट्रक्स के टायर को भी वो इजिली इन्फ्लेट करने की क्षमता रखता है. इसमें केबल की लेंथ आपको करीब 10 फुट तक की मिलती है, जो कि काफी सफिशिएंट है. साथ में जो उसका होस पाइप है यानी कि जिससे आप हवा भरते हैं, उसकी लेंथ है करीब 1.5 फुट लंबी. अगर आप बात करें डायमेंशंस की तो ये 7x7 इंच का है और इसकी थिकनेस करीब 3 इंच की है और इसका वजन कुल 850 ग्राम है, जो कि काफी लाइट वेट है. तो चलिए आप इसके बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट. तो यहाँ पर आपको सिंपल पैकेजिंग देखने को मिलती है और अंदर आपको मिलेगा एक वारंटी कार्ड, उसके साथ एक यूजर मैनुअल गाइड विच यू कैन रीड केयरफुली ड्यूरिंग द इनिशियल यूसेज. आइए अब डालते हैं डिवाइस पर एक नजर और शुरुआत में हाथ में लेते ही आपको ये एक काफी लाइट वेट पोर्टेबल लगेगा. बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये कम्प्लीटली एक प्लास्टिक बॉडी है और इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफी हद तक बहुत अच्छी बनाई गई है. फ्रंट की साइड आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं. ऊपर की तरफ आपको ये वाला प्रेस एंड रिलीज पावर बटन दिया गया है और इसके ठीक नीचे मल्टीफंक्शन बटन दिया गया है, जो कि काम आता है टॉर्च लाइट ऑन ऑफ करने के लिए और साथ ही साथ उसमें रेड लाइट इंडिकेटर जलाने के भी काम आता है. फर्दर सेंटर में आपको मिलेगा एक छोटा सा एक डिजिटल बैकलिट डिस्प्ले जिसपे आप अपना प्रेशर लेवल देख पाएंगे और ठीक उसके नीचे आपको मिलेंगे 3 बटन्स, जिसमें एक मोड बटन दिया गया है जिससे आप प्रेशर यूनिट स्विच कर सकते हैं और उसके साथ बगल में प्लस एंड माइनस बटन दिए गए हैं और प्लस एंड माइनस बटन से आप अपने प्रेशर लेवल्स को सेट कर सकते हैं. और डिवाइस के राइट साइड आपको मिलता है एक होस पाइप का स्लॉट और इसके अंदर होता है एक होस पाइप जिसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी दी गई है. और डिवाइस के लेफ्ट साइड हमें मिलता है एक इमरजेंसी LED टॉर्च लाइट जिससे आप अंधेरे में भी इजीली अपना टायर इन्फ्लेट कर सकते हैं. और फाइनली डिवाइस के पीछे की साइड आपको मिलता है एक पावर कॉर्ड स्लॉट जिसमें आपको पावर केबल मिलता है और अडैप्टर स्लॉट. यहाँ आपको अडैप्टर्स में मिलता है एक नोजल और एक पिन होल अडैप्टर जिसका आप इस्तेमाल करके आप कई तरह के इन्फ्लेटेबल चीजों में आप इजीली हवा भर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. और फर्दर मिलता है आपको एक पावर कॉर्ड विद 12 वोल्ट पावर अडैप्टर और यहाँ पर अडैप्टर एंड केबल की क्वालिटी दोनों काफी अच्छी दी गई है. तो चलिए अब देखते हैं इसको यूज करके. तो इनिशियली आपको अपने कार का इग्निशन ऑन करना होगा ताकि आपकी कार के पावर सॉकेट में पावर आ पाए. जैसे ही अपना अडैप्टर आप इंसर्ट करेंगे, डिवाइस की स्क्रीन एक्टिव हो जाएगी और इफ यू वांट द टॉर्च लाइट और इमरजेंसी रेड लाइट देन आप टॉर्च बटन प्रेस करें, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टॉर्च का लाइट सेट कर सकते हैं. नाउ इनिशियली जब डिवाइस ऑन होगा तो इसका मीटर जो है 0 रीडिंग दिखाएगा और जैसे ही आप होस पाइप को टायर के प्रेशर वॉल में अटैच करेंगे तब आपको करंट टायर प्रेशर शो करेगा. जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, इस वक्त टायर का प्रेशर है 26.5 PSI, जो कि काफी कम है इसके रिकमेंडेड प्रेशर से. यहां पर आपको अगर प्रेशर का यूनिट चेंज करना है तब आप अगर मोड बटन दबाएंगे तो ये KPA और साथ ही साथ पास्कल यूनिट में भी शो करता है. इंडिया में अधिकतर कंपनीज PSI यूनिट को ही फॉलो करती है प्रेशर के, तो यहां पर मैं PSI पे ही रखूंगा. और इसका रिकमेंडेड प्रेशर जो है उसको मैं 34 सेट करने जा रहा हूं. तो सेट करने के लिए आपको यहां पर अपने प्लस और माइनस बटन से आप सेट कर सकते हैं. अगर आप इसको 2 सेकंड तक दबाएंगे तो आप देख सकेंगे इसमें रीडिंग में चेंजेस आ रहे हैं. मुझे अप करना है इसका प्रेशर तो मैं प्लस बटन को 2 से 3 सेकंड दबा कर रखूंगा जब तक कि इसकी रीडिंग चेंज ना हो जाए. जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग चेंज हो गई है. तो आप प्लस या माइनस बटन के साथ साथ इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं. और एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी ये डिवाइस हवा भरता है तो ये 0.5 PSI एक्स्ट्रा लेकर चलता है ताकि आप जब भी आप इसको इंसर्ट करते हैं और निकालते वक्त जो हवा निकलती है वो कंपनसेट हो जाए, इसलिए 0.5 हमेशा ये अधिक भरेगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 34 सेट कर दिया है. तो अब इस मशीन को ऑन करने के लिए आप पावर बटन सीधे दबाएंगे और जैसे कि मैंने जैसे पावर बटन दबाया तो ये मशीन ऑन हो गई और ये तब तक भरेगी जब तक ये 34 तक प्रेशर इसका पहुँच ना जाए. और जैसे ये 34 प्रेशर तक इसका पहुँच जाएगा ये डिवाइस ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा.
तो ये काफी एक अच्छा फीचर है। जब भी आप इसमें प्रेशर भर रहे हैं तो ये एक ऑप्टिमम डिजायर्ड आपने मान लीजिए 34 सेट किया, तो उस प्रेशर पे पहुंचते ही ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये था विंडेक का डिजिटल टायर इन्फ्लेटर का कंप्लीट रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई देन हिट द लाइक बटन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड टू सी मोर सच वीडियोस लाइक दिस। और साथ ही शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अबाउट दिस प्रोडक्ट। एंड दिस इज दिव्यकांत थलेडी, और मिलते हैं जल्द ही किसी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।